बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और मैं उठी हूँ अभी 8 बजे सुबह सुबह सुबह, और मैंने अभी इतनी पढ़ाई वढ़ाई की, 2 डेज की छुट्टी है। तो आज है होटल में किसी का बर्थडे पार्टी है और वहाँ हम जाएंगे, और मैं भी सुबह सुबह उठी हूँ। मेरी दीदी सो रही है, दोनों की दोनों, और मेरी क्रीजी दीदी कल रात को अपनी दोस्त के पापा की रिटायरमेंट पार्टी में गए हुए थे, और मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सफाई कर लूँगी, फिर नहाऊंगी और फिर अपना वीडियो वगैरह को उठा दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत उम्मीद किया है। मैं तो कुछ कुछ उठाने में भी लग गई कूड़ा वगैरह, तो आज बहुत पता नहीं कितना एंजॉय करेंगे हम वहाँ पे। और तो मैंने अपनी पढ़ाई की, फिर मैं अभी थोड़ा सा काम कर देती हूँ, फिर मैं चले जाऊँगी झोप गया मारने के बाद नहाने। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय, और मैं भी जा रही हूँ सफाई करने के लिए, ठीक है। तो उठ ही नहीं जाता जबकि मैं कल रात को भी सोई थी। तो भाई इतना काम है घर सर, तो अपने अपने नीचे भी साफ करके जाने थोड़ा फूल भी होता है इसी तरह पता नहीं क्या है सर। अब देख इस तरह यार बच्चे भी करते हैं, मत करो सर, आप ही खा लेने लोगों को। अब मेरी सफाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और अगर आपको अपने घर में सफाई करना है तो आप कर दो। कोई छोटा बच्चा पे बहुत मज़ा आता है सफाई करने में। ओके, तो अभी मैं रेडी होके आती हूँ नहा के, तब के लिए बाय। मैं होके हूँ अब रेडी, और मैं पूजा करने जा रही हूँ, नहा धो के अच्छे से। तो मेरी नींद खुल गई थी और मैंने देखा कि मन्नू पूजा करने के लिए बैठी हुई है, बट इससे माचिस ही नहीं जल रही है। तो मैं काफ़ी देर से तो इसको देख रही थी और साथ में फ़ोन पे इसने भजन चलाए हुए, तो फिर मेरे पास आई और फिर मैंने धूप जला के दे दिया इसको। भी अलमीरा से मन्नू के कपड़े निकालेंगे। तो गाइस मैंने भी शुरुआत की थी और इन्होंने पता नहीं बिना पूछे कपड़े निकालो पप्पू। क्या पहनूं? देखो फिर से गंद डाला आपने, टॉवल क्यों रखा है ऐसे? तो गाइस मैं होगी हूं भी रेडी, चुड़ैल लग रही रात को तुम्हारे सपने में आऊंगी। देखो मेरा लुक, तौबा तौबा, जिसने तौबा तौबा किया ना, या जिसके दोस्त ने, जिसके हस्बैंड ने, जिसके भैया ने, जिसके जीजू ने भी किया ना, या मामू ने, तौबा तौबा, उसे बहुत चाहिए, ठीक है। और ये मेरी रिंग है, बाय, मिलते हैं आपको। अभी ये कपड़े निकाल रहे हैं ना, हम रेडी होंगे तब, ठीक है। तो हम हो चुके हैं रेडी, और व्लॉग की शुरुआत तो पहले मनु ने कर ही दी है सुबह सुबह ही। बाकी एक है छोटा बच्चा, हमारे पहले पड़ोसी होते थे वो, तो उसका बर्थडे है बच्चे का, तो उसके बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। और अभी टाइम हो चुका है 12:30 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, और काम करते करते लेट हो गए हम। बाकी सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है हमारा, बस अब हमें जाना है।
और ये रहा मेरा आउटफिट और बाहर बहुत गर्मी, देखो कितनी स्वेटिंग हो रही। और ये रही साक्षी, क्यूटी क्यूटी साक्षी। और ही रही मैं। कैसे हो आप? हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। हेलो अध्ययन, कैसे हो भैया? नमस्ते, ठीक हो? अरे वो मैं इनको आपको ही फोन करने वाली थी, भैया बोलते कि हम वेट कर रहे हैं उनका। तो हम पहुंच चुके हैं रिजॉर्ट में और दीदी भी लेट हुए हैं। वैसे 12 बजे का टाइम था और अब ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग पहुँच चुके हैं और दीदी के फैमिली मेंबर्स भी है, इनकी जो है पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई है। तो हम भी गप्पे शप्पे मार रहे थे सब। बाकी बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन अंदर बैठ के ठीक लग रहा है। और ये देखो छोटी सी क्यूट सी बच्ची। ये है बर्थडे बॉय के मम्मा। हेलो, मनु को मैंने बोला मनु ड्यू पीनी है, बोलती नहीं मैं तो वो पीऊंगी, क्या था वो, मरिंडा या कौन सी थी वो, बोलती उसे पिंक लिप्स होते हैं ऑरेंज। हाँ हो गए, अभी टेबल पर है, आसान थोड़ी भी है भाई किसी से लड़ना। मन्ना क्या हुआ, जाओ आप ही आज आज। तो ये है अध्ययन के मम्मी पापा और बहुत ही स्वीट है दोनों, बहुत अच्छे हैं भैया भी और दीदी भी। और यहाँ पर मिले हम एक और दीदी से, ये है बबीता दी जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला से, तो इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी सब लोग भी जो है यहाँ पर बैठ चुके हैं, अपना स्नैक्स ले रहे हैं। और ये देखो क्यूट सी बच्ची और ये दोनों अभी वेट कर रहे हैं, चलो तुम्हारे लिए भी लेके आते हैं। कैसा लगा मन्ना, यम्मी? तो यहाँ पर हो रही थी नाटी, क्योंकि बिना नाटी के तो कोई भी फंक्शन अधूरा सा लगता है। और दी भी उत्तराखंड से है तो पहाड़ी है सब, तो हमने बहुत इन्जॉय किया और बहुत नाटी की। सॉन्ग इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, तो इसलिए सॉन्ग नहीं डाला है, बट हमने बहुत मज़े किए। और अभी है डीजे वाली हमारी नाटी। उसके बाद साक्षी ने डांस किया और बहुत ही मस्त डांस किया था। और फिर उसके बाद हो गया था लंच टाइम और फिर हम सब ने मिल के जो है लंच किया यहाँ पे, और लंच भी बहुत टेस्टी था। ये पौंटा से थोड़ा सा ही दूर है जो पुल है, पुल से दूसरी साइड जो है ये रिजॉर्ट पड़ता है। और
ज़्यादा दूर नहीं है, बस उसके साथ ही है थोड़ा सा आगे को, और बहुत अच्छा है ये रिज़ॉर्ट और काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे, स्विमिंग के लिए भी है यहाँ पे, स्विमिंग पूल भी बने हैं और बाकी बच्चों के लिए फैमिली के साथ आने के लिए ये एकदम बेस्ट है। तो यहाँ पर मन्नू मुझे बोली कि दीदी मैं आपको खाना सर्व करती हूँ, और मैंने उसको बोला मत कर यार मन्नू बैठ जा, बट उसको तो बस काम का ही वो रहता है कि हाँ नहीं मुझे भी काम करना है। सुबह से आपने देख ही लिया होगा कैसे बनी हुई है अपने आप को बड़ी, और पहले बोला इसको डांस करने के लिए तो उस टाइम पे शर्मा रही थी, डांस लिया और अब खाते खाते डांस कर रही है। और ये दीदी के दो बच्चे हैं क्यूट क्यूट के साथ। अभी पार्टी हमारी हो चुकी है फिनिश और मेरे साथ है मैम, मैम बोलूँ दीदी बोलूँ मैम भी है दीदी भी है, क्योंकि बाकी के लिए तो ये टीचर है पर मेरे लिए तो दीदी है। तो हमने सोचा हम थोड़े फ़ोटो क्लिक कर लेते और कुछ रील्स बनाते, तो साक्षी अभी क्लिक करेंगी हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़। वो उधर चले गए, अभी दिखेंगे मैंने शायद से, देखिए गाइस यहाँ से चले। ये जो रिज़ॉर्ट है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत स्पेस है यहाँ पे, देखो बच्चों के लिए अलग से ही बनाया हुआ है। हाँ झुला दो ना, मैं बोल रही हूँ कि ये काम करो, ये तो सुन लेती है बिना। तो अब हम जा रहे हैं वापस और ये देखो तीनों कैसे बैठे गप्पे मारने। मार्केट कुछ सामान लेने कुछ में है, और ये है मन्नू की चेयर, मन्नू बोलते मुझे चेयर लेनी है, इसके लिए चेयर ले ली। अब चल पड़े हैं हम वापस रूम पे, और गर्मी से देखिए क्या हाल हो रही है, हो रहा तो हम पहुंच चुके थे रूम पे, और उसके बाद मैंने बनाई कुछ रील्स, और क्योंकि मुझे अपना ये न्यू सूट पहनना था तो इसलिए मैंने जो है रील्स बनाई। मैंने सोचा क्यों ना इसमें ही रील्स बनाती हूँ, तो साक्षी ने मेरी रील्स बनाई, बाकी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं रोनिका शर्मा 666 पे, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना पूरे ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्दी के लिए ब्लॉग के साथ, बाय।